आप लोग के साथ अभी पिछले बार का इंट्रोडक्शन बात हुआ था, बेसिक कोर्स क्या है, क्या पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत सारे टॉपिक, कुछ 10 टॉपिक मैंने बात किया था, है ना। तो उसमें से पहला टॉपिक क्या था? वर्ल्ड। तो बस आज वर्ल्ड का बात करेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड में धीरे धीरे बेसिकली इस टॉपिक का मतलब क्या है कि हम किस दुनिया में जीते हैं, हम वर्ल्ड जो हमारा है उसके बारे में जानेंगे, कितना बड़ा है, क्या क्या है इस वर्ल्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले फेमिलियर से स्टार्ट करते हैं, जो जहाँ पर आप रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप लोग? उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ, ये जगह क्या है? गंजाम। गंजाम में किस जगह? कांकिया। बरमपुर कांकिया, है ना, कांकिया गांव में अभी है, ठीक है। तो गंजाम का है यहाँ पे, ये है ना गंजाम डिस्ट्रिक्ट, कांकिया यहाँ पे, यहाँ पे ब्रह्मपुर, यहाँ कांकिया, इधर है, इतना छोटा है कि कांकिया लिखा भी नहीं है मैप में, ठीक है, यहाँ पर कहीं है कांकिया। तो और उड़ीसा में कितना डिस्ट्रिक्ट है? 30 डिस्ट्रिक्ट, है ना। हाँ, और हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही खूब सारा गांव है, कांकिया जैसा खूब सारा, ब्रह्मपुर जैसा शहर भी रहेगा, है ना। तो सोचिए एक जो छोटा सा, जब हम यहाँ कांकिया में रह रहे हैं, वैसे उड़ीसा में कितने सारे गांव हैं, कितने सारे बच्चे होंगे, कितने सारे लोग होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, 30 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बेसिकली ये ग्लोब, अभी क्या होगा इस क्लास में, आप सबको थोड़ा अपना इमेजिनेशन यूज करना है, इमेजिनेशन पता है ना। हाँ, तो इमेजिनेशन यूज करना है, अभी हम यहाँ पर गए हैं ना, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, हम मान लीजिए ये पूरा जो अभी बैठे एक स्पेसशिप में बैठे, ठीक है। स्पेसशिप क्या होता है? अंतरिक्षयान, है ना। तो धीरे धीरे यहां से हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऊपर जा रहे हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, हमको चीजें और बड़ी दिखेगी ना, दूर जाएंगे तो शुरुआत में बस उड़ीसा दिख रहा है अभी जैसे, थोड़ा ऊपर जाएंगे फिर इंडिया दिखने लग जाएगा, और ऊपर जाएंगे वर्ल्ड दिखेगा, और ऊपर जाएंगे क्या दिखेगा, फिर पृथ्वी छोटा दिखेगा, और क्या दिखेगा, सोलर सिस्टम, सन, ये सब है, तो ये सब होगा, ठीक है। तो उड़ीसा का बात कर लिया हमने, तो नेक्स्ट क्या है? इंडिया। अब उड़ीसा देखो अब छोटा हो गया, अब यहाँ पे गंजाम भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, अब उड़ीसा जैसे इंडिया में कितने राज्य हैं? 29, एकदम। अब वैसे हर राज्य में खूब सारा डिस्ट्रिक्ट है, खूब सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या है, खूब सारा गांव और शहर है, है ना। जैसे मैंने आपको बताया मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल प्रदेश, ये रहा, हिमाचल में भी 16 डिस्ट्रिक्ट है, और हर डिस्ट्रिक्ट में गांव है, शहर है, ठीक है। तो और हर जगह हमारे जैसे क्या इंसान रहते हैं ना वहां पे, बस क्या है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग संस्कृति है, अलग भाषा है, अलग खाना है, समझ रहे हैं। आप लोग उड़ीसा में हैं इसलिए क्या बोलते हैं? उड़िया। पंजाब के लोग पंजाबी, अगर यहां पर होते क्या बोलते, ये क्या है, हाँ तो क्या बोलते हैं, तमिल। भाषा हर जगह अलग है, मणिपुर में मणिपुरी है, महाराष्ट्र में मराठी है, वैसी हर जगह का कल्चर अलग है, खाने की चीजें अलग है ना। आपके यहाँ पे ज्यादातर दाल भात मच्छी खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में जाओगे ज्यादातर रोटी खाते हैं, वहाँ चावल थोड़ा कम हो जाता है, हर जगह का अलग अलग स्टाइल है ना। और क्या है, डांस अलग है, यहाँ पे आपका जैसे क्या ओडिसी होता है, छाऊ होता है, सोरा डांस होता है, वैसे पंजाब में क्या होता है, भंगड़ा होता है, ऐसे जो टीवी में करते हैं, है ना, अलग अलग चीजें होती है, हर जगह का अलग है। महाराष्ट्र में अलग डांस है, यूपी में कथक करते हैं, केरला जैसे निशान सर है, केरला से है ना, वो केरला में कथकली डांस होता है, जो फेस पेंट करके देखा आपने, डांस करते हैं फेस पेंट किया हुआ एकदम ऐसे ऐसे डांस करते हैं, तो वो चीज होता है। तो है सब इंसान है ना, और सब इंडियन है, इंडिया का ही है, लेकिन सब अलग अलग है, समझ रहे हैं आप, हर चीज अलग है, लैंग्वेज अलग है, इवन लोग दिखते अलग है। जैसे आप अगर कश्मीर या लद्दाख या हिमाचल की तरफ जाएंगे तो मेरे जैसा ज्यादा लोग दिखेगा आपको ऐसा, ठीक है। साउथ में एक तरह का लोग होता है, आप लोग ईस्ट में है, बंगाल बिहार यहाँ पे एक तरह का आप लोग के जैसा लोग होता है ना। तो इसमें कुछ ये नहीं है कि कुछ भाषा ज्यादा बड़ा है या फिर कुछ लोग ज्यादा महान कम है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सब बराबर है। और आजकल ये हो गया कि आपको बताया जाता है कि भारत एक है, भारत एक है, ठीक है, लेकिन भारत जरूरी नहीं है एक होने के सब एक जैसा हो। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सब हिंदी बोलेंगे, सब हिंदू रहेंगे, सब ये रहेंगे, वो गलत है, ठीक है। सबका अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, कई पीढ़ियों से चलते आ रहा है, जैसे आपके पापा मम्मी, उनके पापा मम्मी, उनके पापा मम्मी, सब धीरे धीरे बना ये सब भाषा, और ये सब जरूरी है, ठीक है, सब मिलके हमारा भारत बनता है, ठीक है। अब ठीक है, भारत भी छोड़ दिया हमने, भारत से आगे जाएंगे क्या जाता है, थोड़ा मान लीजिए आप जैसे जो स्पेसशिप था ना,
यहां से आप थोड़ा और ऊपर पहुंच गए, तो अब आपको पूरा दुनिया दिख रहा है ना, और यही दुनिया आपको पता है ग्लोब में असल में ये क्या है, राउंड है ना, जैसे गोल है, पृथ्वी गोल है, तो यहां पे अगर इंडिया है तो असल में नॉर्थ अमेरिका कहां है, उसके पीछे है ना, यहां पे बस उसको थोड़ा ऐसे फाड़ के एकदम फ्लैट बना के आपको ताकि आसानी से दिखे, इसलिए है। अब इंडिया जैसे दुनिया में कितने देश है, 250 कोई 210 कोई 205 बोला, तुमको कहां किसने बताया कि 250 है, कहां पढ़ा किसने बताया, जनरल नॉलेज, हाँ तो कहां से कैसे पता लगा, टीवी में देखा, रेडियो पे सुना, किसी ने बताया, टीवी पे देखा, अच्छा ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ टीवी पे की भी हर बात मत माना करो, ठीक है, अराउंड 195 देश है, ठीक है, एक जो ताइवान है उसको नहीं गिनते हैं, तो इसलिए 195 है या 196, तो 200 से थोड़ा कम देश है, ठीक है, पूरे दुनिया में। और फिर से वही बात आ गई, हर देश में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्यों में क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव और शहर है, ठीक है, तो हम बहुत एक छोटी सी जगह में है, ऐसे ही हमारे तरह करोड़ों लोग है, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन पता है ना आपको, कुछ 7 बिलियन है शायद, बिलियन कितना होता है 1 with 9 zeros, यानी 10^9, तो इतना लोग है अराउंड, 1, 2, 3, 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
सब लोग करेगा। और वैसी कॉन्टिनेंट्स है, महादेश है ना, कितने महादेश है दुनिया में? सेवन। क्या क्या है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और ये दो क्या है? दक्षिण अमेरिका। हाँ, नॉर्थ अमेरिका। अंटार्कटिका यहाँ है ना नीचे, अंटार्कटिका में बस बर्फ है, कुछ जीवन नहीं है, ठीक है। अंटार्कटिका आपको यहाँ दिख नहीं रहा था, इसलिए साइड में बना है, क्योंकि वो यहाँ है नीचे, ठीक है। अब ये सब वर्ल्ड का बात कर लिया, और ये सब जितना भी और हर वही बात आ जाती है, हर दुनिया में अलग संस्कृति है, अलग सिस्टम है। किसी जगह राजा, अभी तक राजा का सिस्टम है, राजा रानी का सिस्टम है, किसी जगह प्रेसिडेंट होता है, किसी जगह प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम है। वैसे हर जगह का अलग अलग करेंसी होता है, पैसा अलग होता है, पता है ना आपको? हमारे यहाँ रुपया चलता है, अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। वैसे यूरोप में यूरो चलता है। अलग अलग हर जगह का अलग अलग संस्कृति है, अलग तरह का भाषा है, कहीं इंग्लिश बोलते हैं, कहीं जर्मन बोलते हैं, कहीं स्पेनिश बोलते हैं, है ना, ठीक है। ये सब का थोड़ा हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, कि भाषा का एक मैंने बताया ना, भाषा भी एक सेशन है, तो वो भाषा के उसमें बात करेंगे। फिलहाल इतना ही कि सब इंसानों ने इतना कुछ अलग अलग तरह से डेवलप हुआ है ना, सारे जो अलग अलग इंसान का ग्रुप है, और लेकिन है सब इंसान, है ना, सब इंसान ही है। जितना भी आप देख रहे हैं, जितनी मशीनें, जितनी भाषा, जितने विचार, सब इंसानों से आया ना। और इंसान क्या है, हमारे दुनिया में बहुत सारे स्पीशीज है। स्पीशीज का मतलब जानते हैं? SPECIES। कोई भी जीवित जंतु या पौधा या प्लांट या एनिमल का एक टाइप, जैसे जाति एक तरह से, हाँ हाँ, जैसे कि इंसान जाति एक है, वैसे ही शेर का जाति अलग हो गया, कुत्ते का जाति अलग हो गया, कोई आम का पेड़ एक अलग हो गया स्पीशीज, दूसरा पेड़ अलग हो गया, तो वैसे ही उनमें से करोड़ों स्पीशीज में से इंसान क्या है? एक स्पीशीज है, है ना। लेकिन एक ही ऐसा स्पीशीज है जिसने ये सब जानने की क्षमता थी। इतना दिमाग बस इंसान में है ना, जो ये सब बता सकता है कि हमारी दुनिया इतनी बड़ी है। बाकी कुत्ता या प्लांट या कोई, वो तुमको तो नहीं पता है ना। हाँ, तो इसलिए इंसान हालांकि बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी स्पेशल है, ठीक है। बहुत साल, करोड़ों साल लगे इंसान को बनने में। आपने पता है, एवोल्यूशन पढ़ा है ना। हाँ, करोड़ों साल बंदर से पहले क्या थे? फिश थे, ये सब थे। धीरे धीरे करोड़ों साल, हमारी पृथ्वी अराउंड इतने साल पुरानी है, 4.6 बिलियन, यानी इतना साल हो गया पृथ्वी को। और इतने साल में से इंसान बस अराउंड 2 लाख साल पहले आया, इतने साल पहले। तो इतना टाइम लगा इंसान बनने में, और एक ऐसा स्पीशीज जो ये सब जान सकता था वो सब इतना, क्योंकि बंदर को नहीं पता ना इतना पुराना है। इंसान ही एक है, जितना उसने साइंस ये सब डेवलप किया, मशीनें बनाई, उससे ये सब करा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब वर्ल्ड का भी काम हो गया है, अब किस चीज पे आएंगे फिर? वर्ल्ड का काम हो गया तो क्या होगा, वर्ल्ड से थोड़ा दूर जाएंगे अगर हम,
पूरा ये तो क्या होगा जैसे आपने बोला था क्या होगा हाँ पूरा पृथ्वी दिखेगा ना तो आप पृथ्वी का बात करेंगे पृथ्वी आपको पता है क्या है हमारे आसपास एक एटमॉस्फेयर है गैसेस है ना इसके आसपास एक गैस का वो है ब्लैंक कंबल टाइप का है ना गैस का कंबल है मान लीजिए तो और उसमें क्या है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन की वजह से हम जिंदा ऑक्सीजन सांस लेते हैं ना ठीक है ये तो हो गया बाहर का जो गैसेस है पृथ्वी का अंदर बना किस चीज से वो ये पढ़ा होगा आपने हाँ क्या बताओ किस चीज से बना है हाँ हिंदी में बता दे उड़िया में बता दे बोलो बोलो हाँ कोई और जो कोई भी उड़िया में बोल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं क्या बना ये चीज क्या बना है क्या बोलते हैं इसको जो बाहर का जो पार्ट है हाँ कोई नहीं बोलेगा ठीक है तो ठीक है एक आपने आई एम श्योर ये पढ़ा तो है ना लेकिन ये चीज तो बोल कर नहीं रहे तो बाहर का ठीक है जो ये देख रहे हैं आप ऐसा कुछ देखा होगा आपने किताब में भी फोटो होगा है ना दिख रहा है ना सबको बसंत दिख रहा है हाँ तो सबसे पहले जो बाहर का जो कवर है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऐसे अगर ये पृथ्वी है बाहर एक पतली सी लेयर है जो कि सॉलिड है सॉलिड पता है ना सॉलिड हार्ड है उसके बाद बीच में एक और है बीच में एक लेयर है और फाइनली अंदर एक है ऐसा जो कि लिक्विड है और सॉलिड भी है और पृथ्वी के अंदर आपको पता है बस आग है लावा है बहुत सारा बहुत गर्म है अंदर है ना तो इसको बोलते हैं बाहर वाला जो सॉलिड है जिस पे पानी भी है सारा और जिसी पे लैंड है जो हमारी धरती है भूमि जिस पे हम रहते हैं वो भी इसी पे है ना इसका नाम बोलते हैं इंग्लिश में क्रस्ट CRUST ठीक है क्रस्ट उसके बीच में जो खूब सारा लावा है गर्म लावा जो अंदर है उसको बोलते हैं मेंटल और फाइनली जो सबसे अंदर जो बिल्कुल आग ही आग है और जिसमें लोहा है बहुत सारा आयरन और निकल है वो सिंबल पता है ना आपको आयरन का क्या होता है Fe हाँ और निकल है ना ही तो अंदर जो कोर CORE कोर का मतलब बेसिकली शब्द का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का अंदर का हिस्सा आपका कोर क्या है आपके अंदर क्या है कोर दिल है एनर्जी है ऊर्जा है ये सब ठीक है अब इसी चीज का आप यहां फोटो देख लीजिए ये बाहर क्रस्ट दिख रहा है ना अंदर क्या है ये आग दिख रहा है आपको खूब सारा ये वो मेंटल ये और अंदर कोर जिसमें आयरन ठीक है अब धीरे धीरे बात करेंगे कि हमारा ये जो धरती है जिस चीज में हम जी रहे हैं वो कैसे बनना ठीक है ये तो असल में आप देख लीजिए धीरे धीरे क्या है कुछ भी अगर जैसे ये जो धरती है अंदर अगर बहुत गर्म हो गई इस चीज को आप गर्म करते रहे क्या होता है हाँ बोल बोल क्या सही बोल रहा है हाँ कुछ बोला ना आपने अच्छा गर्मियों में आप देखते हैं आप सब क्या चासी खेती के बैकग्राउंड से है ना तो आपको पता है क्या होता है गर्मी जब कभी पानी नहीं पड़ता है तो क्या होता है धरती क्या हो जाता है फट जाता है क्रैक हो जाता है ना तो वैसे ही क्योंकि अंदर इतना गर्म है समझ लीजिए क्रस्ट में भी ऐसे से क्रैक बन रखे धीरे धीरे ना ऐसे क्रैक बना हुआ है और तो इसीलिए ये जो पूरा जो क्रस्ट है ऐसा नहीं है कि एक ही लेयर है एकदम पूरा बीच बीच में टूटा हुआ है तो ये जो एक प्लेट मान लो एक अलग है ये वाला हिस्सा 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 अलग है ठीक है समझ रहे हैं आप और क्या होता है जब फिर धीरे धीरे जो नीचे तो लिक्विड है ना लावा है तो जब कभी बार गर्मी से वो इधर उधर हिलने लग जाता है तभी भूकंप आता है ना अर्थक्वेक वो इसी की वजह से आता है क्योंकि ये जो प्लेट्स है एक दूसरे से जुड़े नहीं है ना वो हिलने लग जाते हैं ये थोड़ा इस साइड चले जाएगा ये इस साइड चले जाएगा और हम लोग ऐसे हिलने लग जाते हैं भूकंप देखा महसूस किया कभी आया देखा है ना हिल जाता है ना पूरा वो इसी चीज से होता है ठीक है और जो हमारे कॉन्टिनेंट ये सब भी है जितना भी महादेश है जैसे एशिया वाला महादेश इसके ऊपर लगा हुआ है और अफ्रीका वाला महादेश यहां पर है तो असल में जो कॉन्टिनेंट महादेश भी एक दूसरे से दूर जा रहा है ठीक है उसका मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कैसे जाते हैं अभी भी 1-2 सेंटीमीटर हर साल 1 या 2 सेंटीमीटर क्योंकि बहुत कम हिलते हैं
तो इसलिए हमको पता नहीं लग रहा है, लेकिन एक दो सेंटीमीटर अभी भी सारे कॉन्टिनेंट्स महादेश एक दूसरे से थोड़ा इधर उधर मिल रहे हैं, ठीक है। अब उसका मैं वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हाँ एक और सवाल कि हमारा जो धरती है वो कैसे बने जिसपे हम रहते हैं। खूब सारे मिलियन साल पहले क्या था, बस पानी था, ठीक है, हमारे यहां ये जो जैसे वीडियो है, ठीक है, दिख रहा है ये सब आपको दिख रहा है, हाँ। तो ये क्या है, यहां पे क्या है, 3300 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 3300 मिलियन ईयर्स अगो मतलब 3 बिलियन बेसिकली अराउंड 3 बिलियन साल पहले की बात है, ठीक है। तब क्या था, जैसे आप देख रहे हैं बस पानी है ना यहां पे, बस पानी है यहां पे, है ना, और क्या है छोटा मोटा यहां पे अब धीरे धीरे धरती बन रही है, लैंड बन रहा है यहां पे, दिख रहा है आपको, है ना, ये धीरे धीरे लैंड बन रहा है। कैसे बना है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पता है, तो क्या हुआ जब ज्वालामुखी फटता है अंदर से लावा आता है खूब सारा, और जब गर्म चीज एक लिक्विड जो चीज ठंडी हो जाती है क्या होता है, फिर स्ट्रॉन्ग सॉलिड बन जाती है ना, जैसे पानी को ठंडा करते क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो वैसे लावा जब फटा पहले फिर पानी पे लगा, क्या हुआ वो धीरे धीरे सॉलिड होने लग गया और हमारी धरती वैसी बनी, जो भी अभी देखो कुछ भी नहीं है ना, अफ्रीका एशिया कुछ नहीं है। तो अब आप धीरे धीरे देखें कैसे बना ये सब, ये जो भी छोटा छोटा आपको देख रहा है ये जो बन रहा है ये वॉल्केनोस की वजह से बना है, ज्वालामुखी, इंग्लिश में ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं, वॉल्केनो, ठीक है। देख रहे और पीछे नीचे साल कम होते जा रहे हैं, अब 2 बिलियन साल हो गए, 2 बिलियन साल पहले का बात है, सबको दिख रहा है ना ये, हाँ, धीरे धीरे लैंड बन रहा है ना, ये जो लाल वाला चीज है पिंक वाला चीज है वो अफ्रीका बनेगा धीरे धीरे, ब्लू वाला एशिया बनेगा, ग्रीन वाला अमेरिका बनेगा, ठीक है, जुड़ रहा है ये सब धीरे धीरे, अब 1 बिलियन, ठीक है। और जो भी हमारे अभी जो प्रेजेंट महादेश बनने से पहले जो भी चीजें थी उनको हम बोलते हैं सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है, अभी कॉन्टिनेंट है पहले सुपर कॉन्टिनेंट है ना, इधर दिख रहा तुमको, हाँ, अब क्या 1 बिलियन, थोड़ा आगे कर देते हैं इस चीज को, हाँ 1 बिलियन साल पहले अब बड़ा हो गया लैंड, ठीक है, लेकिन अभी भी चल रहा है इधर उधर। अब फाइनली अब होने वाला कितना, 0.5 बिलियन साल पहले का बात, धीरे धीरे जुड़ रही है चीजें, और फाइनली अराउंड 300 साल पहले पैंजिया पड़ा होगा आपने, पैंजिया नाम सुना है ना, हाँ, तो अराउंड 3 मिलियन साल पहले, यानी कि इतना साल पहले जो अभी जिससे पैंजिया बना, जिससे अभी हमारे अभी के कॉन्टिनेंट्स बने, ठीक है, पैंजिया ये है। अब धीरे धीरे आप देखिए पैंजिया से हमारे अभी के कॉन्टिनेंट्स कैसे बने हैं, ठीक है, ये देखो अफ्रीका फाइनली शेप बन रहा है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया ये रहा, ठीक है, ये दिख रहा है ये, अब धीरे धीरे इंडिया अफ्रीका से अलग होगा। और ये सब हमको साइंटिस्ट ने कैसे पता किया, उन्होंने देखा कि कुछ जो जाति है प्लांट्स या एनिमल्स का वो साउथ अमेरिका में भी है, वो अफ्रीका में भी और इंडिया में भी है, और वैसी कुछ पत्थर है कुछ ये सब चीजें हैं जो बस इन तीन जगह में है, यहां नहीं है, या फिर ऐसा कुछ है जो एक जैसी चीजें इधर उधर है। तो उस समय उन्होंने दिमाग लगाया कि शायद ये सब जगह एक बार ही जुड़ी हुई थी, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे उनको पता लगा, बहुत सालों की रिसर्च और मेहनत और स्टडी करके उनको ये पता लगा, एकदम ऐसे सपना नहीं आया था कि हाँ पहले ऐसे सब जुड़े हुए थे और अब अलग अलग हो गए, ठीक है, जितना मिलियन साल ऐसे हजारों साल 100 साल साइंटिस्ट को लगा ये सब पता करने में। अब देखो धीरे धीरे इंडिया यहां से ऊपर जाएगा, अफ्रीका बन रहा है, साउथ अमेरिका बन रहा है, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, इंडिया अब एशिया पे लग गया है ना, और अब हम फाइनली 0 मिलियन ईयर्स यानी अभी का प्रेजेंट, अब वर्तमान में क्या है ऐसा है ना हमारा मैप, तो बस ये ठीक है ऐसे बना है, इतने मिलियन साल लगे हैं बनने में इस चीज को। और वैसे ही जैसे मैंने बताया अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ना, तो अब जरूरी नहीं है कि जो इस वीडियो में दिखा ऐसा ही होगा, लेकिन
साइंटिस्ट ने थोड़ा अंदाजा लगाया कि शायद ऐसा होगा, ठीक है, अब आगे धीरे धीरे वैसे ही, अब क्या हो रहा है ये देखिए, फिर से अलग हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया 1-2 सेंटीमीटर हर साल ये घूम रहे हैं, अब फिर से ऐसे ही देखो वापिस अफ्रीका और एशिया जुड़ गए, ऑस्ट्रेलिया भी ऊपर आ गया, जुड़ गया है, धीरे धीरे अंटार्कटिका ऊपर आ रहा है, दिख रहा है ना आपको, अभी कितना 100 मिलियन साल बाद, थोड़ा आगे करने क्या होगा, और अराउंड 300 मिलियन साल बाद, फिर से इतने ही साल बाद साइंटिस्ट को लगता है कि सब फिर से जुड़ जाएगा, ऐसे जैसे पैंजिया था वैसे ही जुड़ जाएगा, ठीक है। इन सब का मतलब क्या है, हमारे यूनिवर्स जो ब्रह्मांड में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज बदलते रहती है, ठीक है, इवन जो हमारा सन है, सन को भी अराउंड अर्थ जितना ही कुछ 5 बिलियन साल हुआ है, ठीक है, और साइंटिस्ट का मानना है कि 5 बिलियन साल बाद अर्थ का, जैसे हर चीज पेट्रोल या फ्यूल पे चलता है ना, कुछ चाहिए, आग जलाते तो किस चीज पे, लकड़ी डालनी पड़ती है, सन किस पे चलता है, एटम्स पे, हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से ऐसे कोलाइड करते हैं और उससे खूब सारा ऊर्जा निकलता है, सन उस पे चल रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगले 5 बिलियन साल और में सन का, यानी बेसिकली पेट्रोल मान लो हाइड्रोजन एटम, वो खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, सन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सन एक ही तारा है बहुत सारे तारों में से, हर तारा ऐसे ही होता है, जन्म लेता है फिर मर जाता है, और जब सन मरेगा तो हमारा क्या होगा, पृथ्वी का क्या होगा, हम लोग भी खत्म हो जाएंगे ना, इसमें कुछ बुरा लगने की बात नहीं, ये होता है, प्रकृति का यही नियम है, ठीक है, कुछ भी परमानेंट नहीं रहता है, प्लास्टिक भी हजारों साल लगता है सड़ने में लेकिन एंड में सड़ जाता है, वैसे ही सन से लेकर गैलेक्सी कुछ भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे हर चीज बदलती रहती है हमारी दुनिया में, ठीक है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे डायनासोर थे, बहुत टाइम तक डायनासोर ने राज किया था, लेकिन फिर क्या हुआ, वो लोग मर गए, कुछ नया आया, अगर डायनासोर नहीं मरते हम लोग नहीं आते, हम लोग अगर खत्म हो जाएंगे तो शायद कुछ और नया आएगा, ठीक है, तो धीरे धीरे प्रकृति अपने आप को आगे बढ़ते रहती है, ठीक है, कुछ नया आते रहता है, ठीक है। अब जैसे हाँ, यहाँ पे बात करते हम कि अर्थ का कोर किस चीज से बना है, अभी बात किया था किस चीज से बना है, लोहा, आयरन और निकल, है ना, Fe और Ni, ठीक है, तो Fe और Ni क्या है, आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो आपको एटमॉस्फेयर में मिलता है अर्थ के गैस में, ये सब क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, निकल, सेलेनियम, कुछ भी, ये सब क्या है, गैस नहीं, गैस सब तो गैस नहीं है, हाइड्रोजन ये सब गैस है, आयरन तो गैस नहीं है, आयरन धातु है, सॉलिड है, क्या है, क्या बोलते हैं इन चीज को, ये पढ़ा है यार तुम लोगों ने, ये मैं नहीं मानता कि तुम लोग नहीं पढ़े, क्या है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, हाँ नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो बोलो, हाँ उड़िया शब्द पता होगा जरूर तुमको, एलिमेंट्स, मूलिक, हाँ मूलिक है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब मूलिक है ना, हर चीज जो भी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कुछ भी जो बना है, चाहे तारा हो, चाहे प्लैनेट हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब मूलिक से ही बना है, ठीक है, ये जो अलग अलग मूलिक, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब मिलके चीजें बनाते हैं, पता है ना, एटम, मॉलिक्यूल, मूलिक किस चीज के बने होते हैं, अभी तो बोला यार मैंने, मूलिक किस चीज का बना होता है, हाँ लेकिन किस चीज का, एटम, परमाणु, परमाणु, एटम, ठीक है, तो अब मूलिका का बात करेंगे, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एटम, तो ये एटम कुछ भी जो वस्तु है ना, मैटर है, कुछ भी वस्तु है, साइंटिस्ट बहुत समय से सोच रहे हैं कि क्या है ये, टेबल या फिर कुछ भी, या लकड़ी किस चीज का बना होता है, बहुत हजारों साल से सोच रहे हैं, और धीरे धीरे फिर हमने लगाया कि नहीं, कुछ भी चीज जो होती है वो छोटी छोटी चीजों से बनी है, बहुत छोटी, जो हमको ऐसे दिखती भी नहीं है, ठीक है, और जो एटम शब्द आया ग्रीक से है, ग्रीस पता है कहां है, कहां है, यूरोप में, ठीक है, यहां कहीं है ग्रीस, ठीक है, इधर कहीं, तो बहुत पहले अराउंड कुछ 2000 साल पहले एटम जो शब्द है उसका मतलब है जिस चीज को काटा ना जा सके, ठीक है, जिस चीज को काटा ना जा सके, तो और साइंस भी हमेशा अपने आप को सुधारते रहता है, पहले हमको लगता था कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, फिर धीरे धीरे हमने एटम के अंदर देखा और क्या क्या देखा, क्या देखो, सब एटम, सब एटम, और भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
है ना, ठीक है। तो इन सब पे आप बात करेंगे। सबसे पहले एटम, ठीक है। अब हमारे पास इतना शक्तिशाली ये सब आ गया है कि हम लोगों को माइक्रोस्कोप, इतने पावरफुल माइक्रोस्कोप आए कि हम एटम को भी देख लेते हैं। ये बेसिकली कार्बन के एटम है, ये सारे एक एक ही एटम है, ठीक है, कार्बन का, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद असल में कार्बन एटम ये फोटो नहीं है, ठीक है, ये बस ड्राइंग बनाया है, क्योंकि इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप अभी हमारे पास नहीं है कि हम एटम के अंदर भी देख ले। एटम के अंदर ऐसा होता है, ये सब जो लाल चीजें हैं जिसमें प्लस लगा है, ये क्या है? प्रोटॉन। जो व्हाइट चीज है वो क्या है? न्यूट्रॉन। हाँ, साइड में लिखा ही हुआ है वैसे। और ये जो ग्रीन चीज है, जो माइनस है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, है ना। और तो प्लस माइनस पता है आपको, चार्ज होता है जैसे बैटरी में भी होता है, उसी से करंट चलता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये साथ में क्या बनाते हैं एक दूसरे मिलके? हाँ हाँ, क्या? न्यूक्लियस, एकदम। और इलेक्ट्रॉन उनके आसपास ऐसे घूमते हैं ना, ठीक है। तो ये कार्बन एटम है, हमको कैसे पता ये कार्बन एटम है? प्रोटॉन गिनिए, कितने हैं यहां पे, कितना प्रोटॉन है इस एटम में? सिक्स। तो इसलिए हमको पता है कार्बन है ये। अगर सेवन होते तो क्या होता? नाइट्रोजन। एट होता तो ऑक्सीजन, है ना। वन होता तो क्या होता? हाइड्रोजन। टू होता तो क्या होता? हीलियम। हाँ, तो इसी के चलते जो ये शायद आपने टेबल देखा होगा या फिर ये क्लास टेन में पढ़े, ये देखा है टेबल, पीरियोडिक टेबल, जितने भी दुनिया में मूलिक है ना, अराउंड 100 से ज्यादा है, उनको एक ऐसे टेबल में साइंटिस्ट ने बता दिया है ताकि आसानी से हम उनको देख सके। सबसे पहले हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन, हीलियम दो प्रोटॉन, तीन चार लिथियम, बोरॉन पांच, कार्बन छह, नाइट्रोजन सात, ऑक्सीजन आठ, फ्लोराइड नौ। तो सब अपने प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन है उसके हिसाब से अरेंज कर दिया है। और वैसी इस तरफ जो प्रोटॉन के हिसाब से, और ये इस तरफ से इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, जितने भी एक ऐसे कॉलम में है उनके इलेक्ट्रॉन्स में कुछ सिमिलैरिटी, ये सब आप साइंस में धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं बस इतना बता रहा हूं, ठीक है। अब एटम का बात किया, अब धीरे धीरे हमने ये वही, और हमारे पृथ्वी में अभी कुछ इतने एटम है, ठीक है, अंदाजा है ये, असल में इतने हो ना हो हमें नहीं पता, लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ अंदाजा लगाया कि अराउंड इतने एटम्स है। इस चीज का मतलब क्या होता है? 10^50 यानी, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अगर 10^2 हो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, बेसिकली 10 × 10, है ना। 10^4 का मतलब क्या हुआ? चार बार 10, 10 × 10 × 10 × 10। तो बेसिकली जितना भी ये नंबर होगा उतने जीरो। तो साइंटिस्ट का मानना है हमारे पृथ्वी में अभी इतने सारे एटम्स है, ठीक है। और ये सब एटम पृथ्वी के शुरुआत से है, ठीक है, कुछ नया नहीं आया है, जो भी है एटम इसी से काम चल रहा है, ठीक है। और ये सब हमको कैसे पता है कि कितने एटम है, पृथ्वी की कितनी उम्र है? ये सब हमको पता चला है पत्थरों को पढ़ के। जो हम पत्थर इधर उधर फेंक देते हैं वो बहुत असल में साइंटिस्ट जो मिनरल्स होता है उसमें, उस चीज को वो जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं अच्छे से, उससे उनको पता लगता है कि ये पत्थर कितना पुराना है। और अगर वो पता लग गया, धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों को जोड़ के पता लगाया कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, ठीक है। रही अब एटम्स का बात, ठीक है, एटम का बात कर रहे थे। तो वही, जैसे साइंटिस्ट को पहले लगता था कि एटम सबसे छोटा है जिसको काटा नहीं जा सकता, बस पिछले 100 सालों में, उससे पहले हमें ये सब नहीं पता था, पिछले 100 सालों में धीरे धीरे साइंटिस्ट के पास इतना मशीन आ गया, वो लोग कैलकुलेट करने लगे, मैथ सीखा इतना कि उन्होंने धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लिया, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ढूंढा। तो उसके बाद उनको लगा कि हाँ ये सबसे छोटा है। लेकिन अभी कुछ ज्यादा साल नहीं हुए, कुछ 30-40 साल पहले उन्होंने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एक चीज से बने, और भी छोटे एक कण से बने, जिसका नाम है QUARK, क्वार्क, ठीक है। तो अभी साइंस इस स्टेज पे है, इनको लगता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बने, ठीक है। और जब हमारा ब्रह्मांड, यूनिवर्स भी जब धीरे शुरुआत में बन रहा था, अराउंड 13 बिलियन साल पहले, ठीक है, 13 इंटू
10 टू द पावर 9 यूनिवर्स इतना पुराना है, ठीक है। ये भी हमने कैसे पढ़ा है, अलग अलग तारों को देख के, तारों को, वो मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन इतना इतने साल पुराना है। और तब सबसे पहले क्या बने थे, क्वार्क बने थे, क्वार्क और इलेक्ट्रॉन। ये धीरे धीरे जुड़ के क्या बना इन्होंने, क्वार्क जुड़ के ये बनाना प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जुड़ के क्या बना न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बन जुड़ के क्या बन गया एटम, एटम, और फिर एटम जुड़ जुड़ के धीरे धीरे सब कुछ बना, गैस बना, सॉलिड बना, तारे बने, गैलेक्सी बने, प्लैनेट बने, ठीक है। तो अभी हमको लगता है कि क्वार्क सबसे छोटा चीज है, हो सकता है कुछ 10-20 साल बाद और हमारे पास और भी पावरफुल माइक्रोस्कोप आ जाए या फिर और भी साइंटिस्ट को कुछ पता लगे, हम देखें क्वार्क भी शायद किसी चीज से बना है। अभी इस स्टेज पे 2017 में हम लोग क्वार्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, साइंस अभी इस यहां तक पहुंच जाए। तो बेसिकली अगर हर चीज क्वार्क से बना, एक तरह से आप देखो ना, हर चीज जो भी है, चाहे आप हो चाहे कोई पौधा है, क्वार्क से बना है ना, इसका मतलब एटम्स, हर चीज एटम से बना है ना, ये लकड़ी से लेकर आपका जो स्किन है सब कुछ मूलिक, अलग अलग मूलिक, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब मिलके, और हर मूलिक किस चीज से बना होता है, अलग अलग एटम से, एटम्स जुड़ते हैं एक दूसरे से और बनाते हैं। तो और अगर सब एटम से बना है तो हर चीज क्वार्क से बनी है ना, और क्वार्क क्या है हमको नहीं समझ में अभी, क्या है हमको अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, हर चीज एक ही चीज से बनी है, हमारे पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सब एक है ना, एक तरह से सब एटम से बना है, क्वार्क से बना है सब। तो हमारा धर्म क्या बोलता है, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम, सब क्या बोलते हैं, यानी इस चीज को हम मानते नहीं, एक दूसरे को धर्म के नाम पे हम लोग काटने मारने लग जाते हैं, लेकिन असल में बोलते क्या है, यही बोलते हैं ना कि सब एक चीज से बने हैं, सब समान है, सबके अंदर भगवान है, है ना। तो हो सकता है जो साइंस जो तरह से बोल रहा है, एक तरह से धीरे धीरे साइंस और रिलीजन पहले अलग अलग हो गए थे ना, साइंस ने बोला नहीं तुम गलत हो मैं इस तरफ जा रहा हूं, रिलीजन ने बोला नहीं तुम गलत हो मैं तो यहीं पे रहूंगा, लेकिन अब क्या हो रहा है शायद धीरे धीरे वापस ये लोग जुड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि रिलीजन भी वही चीज बोल रहा है और साइंस भी वही चीज बोल रहा है ना, हर चीज क्वार्क से बना है और आपको पता नहीं है क्वार्क क्या है और क्यों है बना है, तो शायद क्वार्क ही भगवान हो ना, हम सब अंदर जो है, लेकिन हंसने का बात है थोड़ा, इन चीज पे आप सोचिएगा, अपने से सोचिए, हर धर्म यही बोलता है ना कि सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर क्या है एटम है, एटम के अंदर क्वार्क है, क्वार्क हमको पता नहीं है, बस साइंस है तो इसलिए इसको हटा मत दीजिए, हम अभी भी साइंस इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है, बहुत कुछ पता है साइंस को, लेकिन साइंस को ये नहीं पता, साइंस को जैसे ये पता है कि यूनिवर्स 13 बिलियन साल पहले बना है, लेकिन उनको ये नहीं पता क्यों बना है, तो हो सकता है सही में कोई भगवान था जिसने बनाया, हो सकता है, लेकिन हो सकता है शायद नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये सब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा और, अभी अर्थ का बात किया इलेक्ट्रॉन से, अब हम आगे जाएंगे, एक दो वीडियो में आपको दिखाता हूं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कुछ कि मैं ये सब क्या क्या बात कर रहा हूं। अब धीरे धीरे आपको पता है यहां से चले गए तो क्या आ जाता है, सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम क्या है, और सन एक ही तारा है बहुत सारे अनेक तारों में से, हर तारे का अपना प्लैनेट, क्या होता है, तो अभी 10 मीटर की दूरी से देख रहे हैं, ठीक है, 10 मीटर ऊपर पहुंच गए हम पृथ्वी से, सबको दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा थोड़ा पास आ जाओ, 1 किलोमीटर की दूरी से, अभी 1 किलोमीटर ऊपर से देख रहे हैं हम, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, फाइनली पृथ्वी दिख रही है, ठीक है। अब और आगे जाएंगे, मून दिख रहा है हमको, मून क्या है, आसपास घूमता है ना, अब 1 मिलियन, 10 मिलियन किलोमीटर, 100 मिलियन किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, अब क्या है आपको, ये सोलर सिस्टम है, सब दिख रहा है ना प्लैनेट्स, मर्करी, वीनस, ये सब पीछे दिख रहा है आपको, ठीक है, 1 बिलियन किलोमीटर, 10 बिलियन किलोमीटर, अच्छा ठीक है, हाँ तो बोलो ना फिर से, आप दिख रहे, जिसको नहीं दिख रहा यार यहाँ पे खाली जगह, यहाँ बैठ सकते हैं, अगर आपको साइड में नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा, आप यहाँ बैठ सकते हो,
मिलियन किलोमीटर। अब धीरे धीरे हम दूर तारे और भी तारे देख रहे, सन बस एक ही तारा है, इतने सारे तारे हैं और हर तारे के आसपास खूब सारे प्लैनेट्स हैं, तो हम अकेले नहीं है, ठीक है। हो सकता है बहुत भी एलियंस भी हो, बहुत कुछ हमको पता नहीं है सब अभी। उसके बाद अब धीरे धीरे क्या आ जाता है फिर, वन लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या है, ठीक है पहले वीडियो देखते हैं फिर लाइट ईयर का मतलब बताऊंगा। आलोक वर्ष, आलोक वर्ष पता है क्या होता है? हाँ ठीक है, क्या होता है आलोक वर्ष? अब ये मत बोलना लाइट ईयर होता है। हाँ आलोक वर्ष क्या होता है पता, पता है आप लोग को आलोक वर्ष क्या होता है? आलोक वर्ष संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या आलोक वर्ष की क्या होता है? अच्छा ठीक है चलो। हाँ ये सन है, ये धीरे धीरे इंटरेस्ट और भी तारे दिख रहे हैं आपको आसपास, और फाइनली क्या आ जाएगा ये क्या है, क्या है ये क्या गैलेक्सी? हाँ छायावटो, ठीक है। तो पता है आपको छायावटो क्या होता है? एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं ना, जैसे सन है, जो हमारा जो सन है वो बस एक छोटा सा तारा है, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा आपको, यहाँ पे कहीं पे एक छोटा सा तारा है, ठीक है। और ऐसे ही करोड़ों इस मिल्की वे गैलेक्सी में अराउंड 200 बिलियन तारे हैं। 200 बिलियन तारे कितने होते हैं? वही 200 × 10⁻¹⁰, इतने सारे तारे हैं, ठीक है। ये सब तारों से एक गैलेक्सी बनता है, और वैसे हमारे यूनिवर्स में खूब सारे गैलेक्सी, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी। हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इतना सारा तारा है, सफेद होता है ना, तो मिल्क की जैसे दिखता है वो, मिल्क की तरह इतना सफेद है। अब धीरे धीरे अलग अलग गैलेक्सीज, एंड्रोमीडा, ये सब गैलेक्सीज, और जैसे जैसे दूर आप जाते जाएंगे आप क्या होगा, जो छोटी छोटी चीजें जो अलग अलग तारे आपको दिख रहे दूर जाएंगे सब एक जैसे दिखेंगे ना, तो वो ये है। जितना दूर जाते रहेंगे धीरे धीरे आपको बस ऐसा दिखेगा बस, और एक टाइप है आफ्टरवर्ड्स आपको सब गैलेक्सीज भी तारे जैसे छोटे छोटे दिखेंगे। ये हर एक गैलेक्सी है, ठीक है, हर गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं, ये है। अब हम वापस जा रहे हैं, वापस उस पर पहुंच। अब क्या होगा, हम माइक्रोस्कोपिक जाएंगे, अभी तक हम बड़ा चीजों पे देख रहे थे ना, अब हम अंदर जाएंगे 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, आंख में घुस गया, नसें जो आंख की, 100 माइक्रोमीटर, अब माइक्रोमीटर में पहुंच गए। ये सेल, सेल पता है ना, हाँ हम हर सेल से बने हैं ना, और सेल किसी से बना है? सेल भी एटम से बना है, अलग अलग मॉलिक्यूल से बना है ना, तो सेल अगर इतना बड़ा है तो एटम तो दिखेगा ही, एटम इतना छोटा है क्योंकि वो सेल को बनाता है, और हम लोग सेल से बने हैं। अंदर क्रोमोसोम, डीएनए, हाँ जिससे जीवन बनता है, एटम्स, ये एटम्स अंदर, डीएनए भी एटम से बना है ना, ऑक्सीजन का एटम है ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? हा 8। ये आपका आ गया एटॉमिक न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें कितना है? 8 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ही होंगे ना, ऑक्सीजन है क्योंकि। और फाइनली जो मैं आपको बोलता क्या लिखा है, क्वार्क। अभी क्वार्क के आगे हमको नहीं पता क्या है, हो सकता है कल को पता लग गया, ठीक है। तो ये सब समझने का बात है, स्केल है, ठीक है, इतना बड़ा है सब कुछ। तो धीरे धीरे जैसे आप यहां से शुरू करते हैं, अभी हमने बात किया, ये सब का बात किया कि हर कंट्री में डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में खूब सारे विलेजेस है, वैसे ही अर्थ एक प्लैनेट है, सन एक स्टार है, ठीक है, ऐसे ही कई करोड़ों स्टार है। जो मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारा गैलेक्सी जिसमें सन एक छोटा सा पार्ट है उसका, मिल्की वे गैलेक्सी में 200 बिलियन स्टार्स है, ठीक है।
हर स्टार का शायद ऐसे ही खूब सारे प्लैनेट्स हो, वैसे मिल्की वे गैलेक्सी के जैसे ही और भी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ठीक है, कुछ 10 बिलियन इतने गैलेक्सीज हैं। फिर से हर गैलेक्सी का खूब सारा स्टार्स है, खूब सारा स्टार्स का प्लैनेट्स है, तो वही बहुत बड़ी दुनिया है हमारी जिसमें हम रहते हैं, ये बेसिकली ये समझने का बात है इसमें, ठीक है। हाँ, अब हम लाइट ईयर का बात करेंगे, ठीक है, और ये सब हाँ हमको क्यों पता है, टेलीस्कोप्स, टेलीस्कोप क्या होता है, जिस तरह का माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीजें देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करता है, वैसे टेलीस्कोप दूर की चीजें देखने के लिए, ठीक है। और ये सब हमको जो जो मैंने आपको दिखाया, जो जो फोटोज दिखाई है, वो बस कुछ 100 साल पहले से, उससे ज्यादा पहले नहीं पता था, क्योंकि 100 साल पहले, अराउंड 50-60 साल पहले हमने बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए, तो जैसे मून ऐसे घूमता है ना पृथ्वी के आसपास, वैसे ये टेलीस्कोप क्या होता है, रॉकेट से ऊपर जाते हैं और फिर पृथ्वी के आसपास घूमते हैं और फोटो लेते रहते हैं ब्रह्मांड का। उनमें से एक जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप, सबसे फेमस टेलीस्कोप है, उसका नाम है हबल टेलीस्कोप, HUBBLE, ठीक है। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट था जिन्होंने देखा कि असल में हमारी दुनिया और भी बड़े होते जा रही है, ठीक है। अभी भी जैसे कॉन्टिनेंट्स मैंने बताया एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, वैसे ही पूरी हमारा यूनिवर्स भी, तारे गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बड़ा होते जा रहे हैं एक तरह से, जैसे एक गुब्बारा होता है ना, बलून, बलून को फुलाते रहो बड़ा होते रहता है, उस पे बलून में अगर 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है और आप फुला रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, ये 2 पॉइंट दूर जाएंगे ना, ये पॉइंट वहां पहुंच जाएगा, ये पॉइंट, वैसे गैलेक्सीज तारे सब कुछ बड़ा हो रहा है, ठीक है। और ये हबल ने ढूंढा था, एडविन हबल एक साइंटिस्ट था, तो ये टेलीस्कोप का फोटो देखे, देख रहा है, असल में ये इतना बड़ा एक टेलीस्कोप है जो ये सब फोटोज लेता है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। और ये भी एक ऐसे रॉकेट से भेजा गया था ऊपर, और तब से फिर वो पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, फोटो ले रहा है, ठीक है। और क्या क्या फोटो लिया है, ये तारे नहीं है, ठीक है, ये एक गैलेक्सी है, हाँ। गैलेक्सी का उड़िया शब्द क्या बताया था आपने, छाया वर्ष, छाया बर्तो, छाया पोथो, ठीक है। एक एक ये छाया पोथो, और एक एक छाया पोथो में कितने स्टार्स है, ऐसे बिलियन स्टार्स है ना, हाँ, इतने सारे स्टार है एक एक में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाँ, ये क्या है, नेबुला बोलते हैं इन चीज को, ये बेसिकली गैस है, गैस का जो बादल टाइप का है ना, क्लाउड्स बना है, और इन्हीं चीजों से धीरे धीरे स्टार्स बनते हैं, गैस के एटम से बना है ना, तो क्या होता है, ग्रेविटी पता है आपको, मध्याकर्षण, तो ग्रेविटी से धीरे धीरे जब ये गैस के एटम्स एक दूसरे को ऐसे खींचने लग जाते हैं एक तरफ, धीरे धीरे ऐसे अगर किसी चीज को आप छोटी चीज को दबाते रहेंगे क्या होगा, थोड़े टाइम बाद इतना प्रेशर बन जाएगा ना कि वो एक दूसरे से फटने लग जाएंगे, और वैसे ही स्टार्स का जन्म होता है। ये अगले क्लास में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, अभी बस समझ लीजिए इन गैस और ग्रेविटी की वजह से तारे बनते हैं, हमारा सन भी ऐसे ही, तो ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना, ये सब तारे, नए नए तारे बन रहे हैं इन गैसों से, वैसे ये भी वही है, सेम ये भी वही है, छोटे छोटे तारे बन रहे हैं। और ये जैसे टेलीस्कोप बीच में खराब हो गया है तो एस्ट्रोनॉट गया उसको ठीक करते हैं अंतरिक्ष में, वो आप इस पृथ्वी में लाके ठीक नहीं करते हैं, वो अभी भी ऐसे ही घूम रहा है, साइंटिस्ट जाते हैं वहां पे, एस्ट्रोनॉट जाते हैं और ठीक करता है, ठीक है। टाइम हो गया क्या, टाइम हो गया, अच्छा ठीक है, तो ठीक है, कहां पे क्लास हो रहा है, ठीक है, लाइट ईयर का बात अगली बार करेंगे, ठीक है, चलिए। हाँ सब है, बाय।